के द्वारा कोई आपत्ति दर्ज कराया जाएगा तो उस पर कानूनन कार्रवाई होगी। सर जिस तरीके से बिहार में, पूरे बिहार में जिस तरीके से हॉल की स्थिति है, बड़े बड़े हॉलों में भोजपुरी फिल्म नहीं लगती है क्योंकि लगने दिया नहीं जाता बिहार सरकार। देखिए इस सवाल का जवाब हम दे चुके हैं, हम बोले कि हम लोग का फिल्म नीति जल्द ही तैयार हो रहा है, प्रारूप तय हो जाएगा, उसके बाद उसमें बहुत सारी बातें हैं तो वो सब आपके सामने दिख जाएगा। अब चूंकि 20 दिन से ज़्यादा नहीं हुआ हमको मंत्री बने और हम बहुत ज़्यादा समय भी आपसे नहीं मांग रहे हैं, कुछ दिन मांग रहे हैं, इंतजार कीजिए। सर मेरा सवाल आपसे, आप मंत्री बने हुए हैं तो क्या लगता है कि सेंसर बोर्ड बनेगा और गुंजन सिंह पहले तो फिल्म नीति बनेगा, सेंसर बोर्ड के पहले फिल्म नीति हम लाएंगे, उसके बाद ना अगला स्टेप हम बढ़ेंगे। क्या लगता है कि आप प्रयास करेंगे? एकदम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। सर मेरा सवाल आपसे है, भोजपुरी में पहले से भी बहुत सारी कंपनियां हैं सर, कंपनी मालिक से सवाल है, भोजपुरी में पहले से ही बहुत सारी कंपनी, तो कंपनी मालिक का सवाल कंपनी मालिक से, बगल में बैठे हुए हैं। अच्छा इनसे पहले भी तमाम कंपनियां हैं, तमाम गाने आते हैं, सब कुछ हो रहा है, आप इस इंडस्ट्री में आए हैं, क्या नया कुछ अलग लेके आने वाले, क्योंकि पहले से 150-200 कंपनियां हैं वो वही काम कर रही है, तो वही रेगुलर वही काम करने के लिए कि कुछ अलग कॉन्सेप्ट लेकर आए हुए। देखिए हम जो कॉन्सेप्ट लेके आए हैं ना, पहले तो ये अश्लीलता से बिल्कुल परे वाला कॉन्सेप्ट है। आप देखे होंगे पंजाब में कोई भी गाने आते हैं वो एक लेवल में आते हैं, कभी उसमें अश्लीलता नहीं परोसी जाती, तो हमारे वहाँ यही कल्चर हम लेके आए हैं कि यहाँ पे भी अच्छे अच्छे गानों को प्रोत्साहित किया जाए, जो भी काम कर रहे हैं अच्छे कलाकारों के साथ कर रहे हैं, और उनसे भी यही आशा की है, यही कहा है कि हमें अच्छे अच्छे गाने दीजिए और उसको जो है हम नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए ही रहे हैं। अब पीछे का बात तो हम कुछ नहीं बता पाएंगे, क्या हुआ नहीं हुआ, आगे होगा ऐसा अब निश्चित रूप से होगा, हम तो बोले गुंजन जी सवाल है, क्या इस चैनल पर अश्लील गाने आएंगे? ऐसा तो हम इनसे उम्मीद नहीं किए, हम पहले ही बोले बिल्कुल पहले, नया चैनल है, नए चैनल में आप धमाका लेके आ रहे हैं, आपसे जो शुरुआत हो रही है क्या कहिएगा गाने के लिए? ये भोजपुरी 7 म्यूजिक है और बहुत अच्छा नाम है, और पहली बात ये है कि पंजाब से ये चलकर आए हैं भैया और भोजपुरी में यानी कि बिहार के भाषा को ऊपर लेके चलना चाह रहे हैं, तो ये बहुत खुशी की बात है, और अच्छा अच्छा गाना लेकर हम लोग आ भी रहे हैं इनके साथ में, तो सबका सहयोग रहे। और बाकी जो आप लोग सवाल कर रहे थे, मंत्री जी बता ही रहे थे कि ये सेंसर बोर्ड जब तक नहीं बनेगा तब तक अश्लीलता ख़त्म हो ही नहीं सकता, तो बिहार में सबसे पहले हम भी आपसे मांग करते हैं कि एक सेंसर बोर्ड हो जाए, कि कोई भी गाना आए तो पहले वो उसको लोग देखे सुने, उसके बाद वो मार्केट में। मंत्री जी से सर गायक सवाल आप लोगों पर भी उठ रहा है कि सबसे पहले जो बड़े कलाकार हैं जैसे आप, पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, ये तमाम बड़े कलाकार, बड़े सिंगर जो हैं, उन्होंने ही अश्लीलता परोसी, और यही कारण है कि जो अब नए कलाकार आ रहे हैं, नए सिंगर आ रहे हैं, वो बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं और अश्लीलता परोसते हैं। देखिए हम लोग तो हमेशा एक अच्छा गाना लेकर आए हैं, शुरू में तो हर कोई गाया है, ऐसा नहीं कि हम भी गाए हैं, हर गायक गाया है, ऐसा नहीं कोई कह दे कि हम नहीं गाए हैं, ऐसा तो है ही नहीं, लेकिन अब तो कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा अच्छा लेकर आए, और जो पहले हो गया उसके लिए तो क्षमा चाहते ही हैं, हम हो चाहे कोई गायक हो जिन अब जो भी नाम ले रहे हैं, तो हम लोग चाहेंगे अभी, लेकिन नए लोग जो आ रहे हैं वो चाह रहे हैं कि एक ही बार हम हिट हो जाएँ कुछ गा के, तो यहाँ पे हमको, हम सभी गायकों को भी और दर्शकों को भी समझना पड़ेगा थोड़ा कि हमको सुनना क्या है। अब कोई भी गंदा गाना आ रहा है उसको इतना जल्दी इतना व्यू मिल जा रहा है, इसके कारण से कुछ नए लोग जो हैं सोच रहे हैं कि तुरंत में हिट हो जाए, स्टार बन जाए, तो उसके कारण से गंदा गंदा गाना लेकर आ जा रहे हैं। मंत्री जी एक सवाल आपसे रहेगा, जो कलाकारों को सोशल मीडिया पर गाली देने का जो दौर चल रहा है, उनके माँ बहन को अपमान करने का जो प्रयास चल रहा है, कुछ लोग सोशल मीडिया पे गाली भी देते हैं कलाकारों को, तो उनके लिए आप क्या करेंगे? अगर उस कलाकार के द्वारा कोई आपत्ति दर्ज कराया जाएगा तो उस पर कानूनन कार्रवाई होगी। सर जिस तरीके से बिहार में, पूरे बिहार में जिस तरीके से हॉल की स्थिति है, बड़े बड़े हॉलों में भोजपुरी फिल्म नहीं लगती है क्योंकि लगने दिया नहीं जाता बिहार सरकार। देखिए इस सवाल का जवाब हम दे चुके हैं, हम बोले कि हम लोग का फिल्म नीति जल्द ही तैयार हो रहा है, प्रारूप तय हो, उद्घाटन हम लोग आज कर रहे हैं, और हम उम्मीद करेंगे कि बिहार का जो पारंपरिक लोकगीत है, जो बिहार के तमाम अलग अलग इलाकों में अलग अलग भोजपुरी के कई भाषा में
जो गाने सुहार हैं, छठ का गीत है, इन सब चीज़ों को, बिहार के झलक को ये चैनल दिखाने का काम करेगा, लोगों को जो परंपरा है उसको भूल गए हैं उसको बताने का काम करेगा। मेरी शुभकामना है कि ये बिहार में इस काम को करने का, इसके लिए पंजाब से आकर यहाँ पर अपना म्यूजिक चैनल खोल रहे हैं, इस म्यूजिक चैनल को मेरी तरफ से शुभकामना है। अच्छा, एक बड़ा सवाल है मंत्री जी, और चाहेंगे कि इसका जवाब भी आप बाकी से दीजिए। जिस तरीके से भोजपुरी गानों पर सवाल उठ रहा है अश्लीलता को लेकर, तो एक मापदंड तो जरूर तय किया जाना चाहिए, क्योंकि अब लोग जो हैं वो कई सवाल उठा रहे हैं, और कहीं ना कहीं भोजपुरी गाने ना केवल बिहार, इंडिया, विदेशों में भी सुने जाते हैं, तो एक मापदंड तय होगा अश्लीलता पर कैसे ब्रेक लगाएंगे? देखिए, पहले से अश्लीलता पर कानून है कि कोई भी अश्लील गाना या कार्यक्रम कुछ भी करते हैं तो उस पर जिला प्रशासन को सूचित किया हुआ है कि आप कानूनन कार्रवाई करें, और आगे भी अगर कोई कंप्लेन मिलता है तो इस पर प्रशासन कार्रवाई करने का काम। अभी देखिए, ये आप जान रहे हैं कि अभी बिहार में फिल्म नीति नहीं बनी है, उसका प्रारूप तैयार हो रहा है, तो हम लोग का टीम दूसरे प्रदेश में जाकर उस पर काम कर रहा है, जल्द ही उस पर हम लोग काम कर लेंगे तो निश्चित रूप से उस पर भी जो आपका शिकायत है उस पर हम लोग काबू पाएंगे। पिछले 24 घंटे से आपको ट्विटर पे इस पोस्टर को लेकर के टैग किया जा रहा है कि अहीर का बेटा नाचे सैयद की बेटी के साथ, तो ये अभी जो मुद्दा है, कई बार हमने देखा कि आपको लोगों ने आप मांग की है कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, इस प्रकार का जो बेटर है इस पर हम लोग लिखेंगे, और इस प्रकार का जो घटना कर रहे हैं लोग उन सब चीज़ों पर कार्रवाई होगी। जो नए भोजपुरी म्यूजिकल ग्रुप आ रहे हैं या इस तरीके के जो भी संस्थान आ रही है, उन लोगों को क्या संदेश देंगे सर आज आप? हम तो पहले ही बोले हैं इनसे जब मुलाकात हुई कि बिहार का जो पहले से जो परंपरा है, लोकगीत है, सोहर है, छठ का गीत है, इसको आप लोग अगर ऊंचाई तक पहुंचाते हैं तो देश विदेश तक आपका नाम हो सकता है, इस पर आप लोग काम कीजिए। अब तक तो मान लीजिए कि इस प्रकार का संज्ञान में मेरे नहीं आया था, आया तो हम आपको अभी सब जवाब दे ही रहे हैं।